मुस्लिम विलेज है उसके अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं इनके घर मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। ये किचन है इनका, ये सामान भी इनका बाहर पड़ा हुआ है। हम आगे चल रहे हैं, आपको दिखाएं। ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ये इनके माल की जगह भी नहीं है कि अपना जानवर का खड़ा करें। ये इनकी जगह इन्होंने आर्जी तौर पर बनाई हुई है। ये टेंट है, ये इनका बोर्ची खाना है। अभी देख सकते हैं बोर्ची खाना कितना बहुत छोटा बहुत। ये यहाँ पर बर्तन वगैरह धोते हैं, पानी वगैरह पीने का सब कुछ नहीं पड़ी। अभी आप गाँव के पोजिशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरफ जो है ये घरों के पड़ी तरफ इन्होंने पानी निकाल किया है ज़मीन के अंदर। यहाँ से हल्का शायद पानी आपको नज़र आए, ये पानी निकाला तब जाके यहाँ पर ये रहने के काबिल हुआ जगह। ये आप देखें कितना खस्ता हालत है घरों की। ये इन घरों के अंदर रहने से भी अपने कतराते हैं क्योंकि किसी टाइम भी इनका गिरने का खतरा है। ये सारा ये लकड़ी वजनी होती है छत की, उसके ऊपर इन्होंने घर बनाए हुए हैं। ये आप देखें बिल्कुल ही डैमेज। सर्दियों के लिए उन्होंने जो अपना बचने के लिए ये चीज़ें लगाई हुई हैं। इनके जानवर वगैरह भी देखो कमज़ोर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम पैदल चल के आए हैं। मैं थोड़ा आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। वहाँ पर जाए उन्होंने पानी कुछ निकाल किया आगे। दोस्तों ये हम बिल्कुल विलेज के दूसरी तरफ आ चुके हैं। ये ज़मींदार ने अपनी ज़मीन तबाह कर दी है इस वजह से ताकि लोग यहाँ पर रह सकें। ये आप घर देख रहे हैं, आबादी है। ये पानी सारा जो है इनका निकाल गया मशीनों के जरिए सिर्फ निकाला गया है। आप देखेंगे ये पूरी ज़मीन जो है ख़त्म हो चुकी है। कम से कम यानी कि 2 साल तक यहाँ पर कुछ आप यहाँ पैदावार इससे ज़मीन से नहीं ले सकते कम से कम 2 साल तक। ये इतना नहीं कि ज़मीन बुरी हालत के अंदर है। और ये पानी जो है आगे चल रहे हैं तो आपको दिखाएं, ये पानी की आप कंडीशन देखें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ख़राब हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गंदा पानी है। यहाँ पर मच्छर बहुत सारी बीमारियाँ, ये उनसे लड़ भी रहे रह भी रहे और फाके भी गुजार यानी कि इनके घरों के अंदर हो रहे हैं। यानी कि इस वक्त ये बड़ी आजमाइशों के अंदर है। और अभी जो है हमारी टीम जो है यहाँ पर सर्वे के लिए आई है। हसब तौफीक जो डोनर हैं उन्होंने तआवुन किया है, हम इनको एक दिन तक पहुँचा रहे हैं कि ये अपना जो है कम से कम जो 1 माह जो है गुजार सकें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे भी तक पहुँचाएँ। और बाकी ये काम जो है किसी पे एहसान नहीं है, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। हमारे पास जो डोनर होते हैं, बाज़ डोनर ऐसे होते हैं वो अपना नाम भी बताना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि बस आप ऑन द स्पॉट जगह पर पहुँचो, हमें वीडियो शेयर करो, हमें बताओ कि इलाके की पोजीशन क्या है, हम आपको डोनेशन करेंगे, उसके बाद आप वहाँ तकसीम करके हमें वही वीडियो दोबारा सेंड कर दो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह काम किसने किया। ऐसे भी अल्लाह वाले लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरफ यानी कि तबाही फैली हुई है। ये अभी कम तबाही का मंजर नहीं है, ये तकरीबन जो बारिशें हुई हैं 6 माह से ज़्यादा अर्सा हो चुका है, ये वही मंजर है जिसे हम भूल भी चुके हैं। हमारे इलाकों के अंदर मकसद है कि बारिश को किसी को भी याद नहीं है, लेकिन इस इलाके को जितना मुतासर किया है और इस इलाके के अंदर जितना तबाही हुई है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हर तरफ तबाही फैली हुई है। ये यहाँ पर कपास की फसल लगी हुई थी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। और यहाँ पर उसके अलावा जो है चावल की फसल थी वो भी तबाह हो चुकी है। इनका यानी कि पैसा डूब गया है। यह जो भी हैं ये सारे जो है ज़िम्मेदार के यहाँ काम करते हैं और इनके जो है पैसे भी ज़िम्मेदार के पास डूब गए हैं। ये भी सारे कर्ज़े में आ गए क्योंकि ज़िम्मेदार खुद डूब आए तो इनको वो खुद क्या देगा। तो यहाँ पर तकरीबन एक ज़िम्मेदार हमारी उससे मुलाकात भी हुई है, उसकी 2000 एकड़ ज़मीन है सारी की सारी पानी के अंदर डूबी हुई है। जब वो खुद डूबे हैं तो इनको क्या देंगे। ये भी कर्ज़ के अंदर हैं और जो ज़िम्मेदार हैं वो भी कर्ज़ के अंदर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से हम पूरी यकीन रखते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं हम आगे मुस्तकबिल के अंदर भी इंशाल्लाह करेंगे। अभी भी हम कर रहे हैं
और जो ये आज़ाद वीडियो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो ऐसे इलाकों के अंदर खुद जाएं। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे थ्रू ये काम करे। ये इलाका मैंने आपको बता दिया कि ये सिंदड़ी से आगे हिपरों के करीब पड़ता है, तहसील इसकी सिंदड़ी मीरपुर खास के करीब पड़ता है। ये पूछ लेते हैं कि गांव का इलाका कौन सा है। मतलब ये गोट केड़वा साइंदाद बिरडी राजा। ये आपने गांव का नाम सुन लिया होगा। जो गाँव करना चाहते हैं वो खुद इन इलाकों के अंदर आ सकते हैं, इलाके पूछ के। और ये अपने आँखों से यह मंजर देख सकते हैं, ये तबाही का मंजर है, ये आप देख सकते हैं। और जो हो सके आप अपने हैसियत के हिसाब से जो तावुन करना चाहें लोगों से कर सकते हैं। ये गैर मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान नहीं है, इंसान ही है। हमें जो है हुक्म दिया गया है कि बिला तफरीक जो है इंसानियत की खिदमत करो, तो हम उसी खिदमत में लगे हुए हैं। बाकी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ये मुसलमान हो जाए। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो हम उनको देना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं। मगर आप हजरात सबसे गुजारिश है, आप अपने इलाकों के अंदर जितने भी गरीब हैं आप अपने इलाकों में देखें। बहुत सारे ऐसे सफेद पोश लोग होते हैं जो हाथ किसी के सामने फैलाने से गुरेज करते हैं, वो अपना किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसे सफ़ेद पोशों का जो है आप ख्याल करें, या ऐसे यतीम बच्चे जिनके सरों पर आप हाथ रखें, क्योंकि यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखना भी सवाब है। और जो यतीम बच्चों की किफ़ालत करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए खुशखबरी सुनाई है कि वो जन्नत के अंदर मेरे साथ ऐसे होगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां मिला के दिखाई, शहादत वाली और बीच वाली उंगली, फरमाया कि ऐसे और मैं वो जन्नत में साथ होंगे। तो आप हजरात की गुजारिश है ऐसे लोगों की जो है आप भरपूर हेल्प करें, जितना आपकी ताकत है। आपकी जेब अगर इजाज़त 500 की देती है तो आप 500 करें, 2 रुपये की देती है आप 2 रुपये करें। क्योंकि अल्लाह के नज़दीक जो है सदका खैरात जो है वो ये अहमियत नहीं रखता कि उसकी क्वान्टिटी कितनी हो, कितना बड़ा हो। अगर आप दिखाने के लिए करेंगे तो आप पहाड़ जितना भी खर्च करें तब भी आपको रत्ती बराबर सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह की रजा के लिए एक खजूर का दाना भी दे देंगे तो उसका जो सवाब है वो उस पहाड़ से भी ज़्यादा होगा। तो इंशाल्लाह हम तो आहद करते हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इन कामों के अंदर मसरूफ़ अमल रहेंगे। और आप हजरात से भी गुजारिश करते हैं कि आप हजरात जो है ऐसे काम शुरू करें, अपने इलाकों से ही शुरू करें जितना आपकी ताकत हो। हम ये सोचते हैं कि यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत सोच है। जब हम शुरू करेंगे हमें देख के 10 बंदे और भी शुरू करेंगे। तो आप अपने इलाकों से शुरू करेंगे, जब हम ये काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा टाइम भी आएगा कि कोई लेने वाला नहीं होगा। पर मकसद ये है कि हम शुरुआत तो करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।